हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आई एम इंडियन यूट्यूबर ज्योत्सना जायसवाल और मैं हूँ ब्यूटिशियन और मैं चल रही हूँ अभी पार्लर पे। और पार्लर पे तृप्ति को मेहंदी लगाने का है तो स्टूडेंट मेरी मेहंदी लगाएगी तो उसका मैं वो आपको ज़रूर शूट करके बताऊँगी। और उसके बाद पार्लर पे जो भी काम होगा थोड़ा बहुत अगर मैं दिखा पाई तो दिखाऊँगी और नहीं तो फिर शाम को एग्जीबिशन को चलते हैं। एग्जीबिशन देखने आपको लेके जाती हूँ मैं मेरे साथ। ओके गाइस, और बहुत गर्मी है, 40 डिग्री गर्मी है। अभी मैं नहा के रेडी हुई हूँ और ये जो आवाज़ आ रही है वो बाथरूम में बाल्टी भर रही है पानी की, इसकी आवाज़ आ रही है गाइस। और बस अब निकलते हैं पार्लर के लिए और वहाँ पे जाके जो जो एक्टिविटीज़ होगी वो मैं आपको दिखाऊंगी। पर मैं शाम को आपको रात को ज़रूर से एग्जीबिशन में लेके जाऊंगी और आज एग्जीबिशन का लास्ट डे है तो आज तो जाना बनता ही है गाइस। तो चलिए, जैसे जैसे मेरा दिन बीतता जाएगा मैं आपको बताती जाऊंगी। और मेरे खाने में मैंने आज बनाया है माट भाजी और दाल और रोटी, इतना बनाया है। पापड़ नहीं सेका है क्योंकि इतना इनफ हो गया है लंच के लिए। और बस तो टिफ़िन भर लिए हैं और चल रही हूँ मैं पार्लर के लिए। ओके, तो चलिए पार्लर पे चलते हैं, आपको भी लेके चलती हूँ मेरे साथ में अपने पार्लर पे और वहाँ जाके मिलते हैं। जरा भरलेलं भरलेलं काढ हा, जास्त खाली खाली वाटते ना। तो गाइस, ये स्टूडेंट मेहंदी निकाल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो गाइस, मैं पार्लर पे आ गई हूँ और प्ले स्कूल भी चालू हो गया है मेरा, पर अब बच्चे बहुत कम आ रहे हैं, बच्चे बहुत कम आ रहे हैं। देखिए इनकी मस्ती, देखिए प्यार, देखिए कितना है इनको एक दूसरे के साथ। उनको पता नहीं है मैं वीडियो बना रही हूँ। तुला जायचं आहे मग समोर जायचं, तिकडे जा, तिकडे जा आरोही जवळ। आय शाबाश, वेरी गुड। तो बच्चे बहुत कम आए हैं, अभी 11 नहीं बजे हैं, 11 बजे थोड़े बच्चे और बढ़ जाए तो फिर मैं उनका स्टडी स्टार्ट करती हूँ और आगे आगे बढ़ते रहेंगे बच्चे। 11 बजे की स्कूल रहती है, 12:30 बजे छूट जाते हैं। तो उसके बाद मिलती हूँ मैं आपके साथ। ओ, आज मंडे है, वो मुझे नेल्स दिखा रही है। आज मंडे सबका नेल्स चेक करने का टाइम है इसलिए सब लोग मुझे नेल्स अपने दिखा रहे हैं। हाँ, पर सब लोग नेल्स काट के आ गए हैं, पर मैंने खुद ने अपने नेल्स कल काटना भूल गई थी। ओ नो फाइटिंग, चलिए गाइस बाद में मिलते हैं, नहीं तो ये बच्चे मारा मारी करने लग जाएंगे। अभी ले आता लौकर पटापट पटापट, जीरो कार्ड बॉक्स सगे बगता तुला। ये सब लोग बोलो बोलो, लिखो लिखो, बैक कैमरे से बताती हूँ आपको कैसे लिख रहा है बच्चों। इकड़े 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 बक बक्स ली लो लो कर ली। जीरो का जीरो 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 जीरो, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, बाय बाय, बैठ जाओ। तो गाइस, दिन कहाँ बीत गया पता ही नहीं चला। और देखिए अपने मेरे बच्चे लोग की मस्ती, मेहंदी की डिज़ाइंस। और स्टूडेंट आए थे तो आज से नया बैच शुरू हुआ है ब्यूटी का, तो फिर मैंने उनको सारी स्टाइल सिखाया और
गाइस स्टूडेंट नए हैं तो मैं कुछ शूट नहीं कर पाई दोपहर के टाइम पे, और बस हाथ में वो मेहंदी लगाए और अभी 6 बजे स्टूडेंट का सबका सिखा के मुझे अभी थोड़ा सा टाइम मिला, तो मैंने सोचा चलिए अब मुझे जाना है एग्जीबिशन में, तो चलिए आप सबको लेके चलती हूँ मैं एग्जीबिशन में देखने के लिए। और शाम हो गई है, थोड़ी देर में मैं निकलूँगी, आधे घंटे में, तो मैंने सोचा चलिए आपको बता देती हूँ, आपसे मिल लेती हूँ। और बस दोपहर को खाना खाया, बच्चे लोग प्ले स्कूल के बच्चे गए, उसके बाद खाना खाया, उसके बाद क्लास वाले आए, और यही चल रहा था रूटीन। तो अब चाय पी के थोड़ा सा फुर्सत मिला तो मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लेती हूँ, और अब जाएंगे हम सब मिल के एग्ज़िबिशन। और गाइस और क्या चल रहा है, आप लोग ने दिन भर में क्या किया वो मुझे बताइए कमेंट्स करके। आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से कमेंट्स कीजिए तो मैं भी जान सकूं कि आप सब क्या कर रहे हो और कैसे हो। तो गाइस चलिए मेरे साथ चलते हैं एग्ज़िबिशन, घूम के आते हैं। और अगर मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिएगा। अगर मैं ज़्यादा व्लॉग को बढ़ाऊँगी क्योंकि एग्ज़िबिशन का पूरा शूट करूँगी तो लंबा हो जाएगा, तो जितना अच्छा लगता है वो सब शूट करके मैं आपके लिए डाल दूँगी। तो चलिए मेरे साथ आप भी एंजॉय कीजिए एग्जीबिशन में, वहाँ चलते हैं। ओके तो गाइस ये है मालवनी जत्रोत्सव और मैं आई हूँ यहाँ पे, बजे रात के 9। तो चलिए आपको मैं बताती हूँ अंदर क्या क्या है। पाण्याची बॉटल आहे, किती लाय गाइस देखिए इन लोग ने पानी की बॉटल बनाई है, पानी ठंडा रहेगा उसके लिए, मटक्यातलं ऍक्च्युअली पाणी चांगलं असं। ये है तवा, बाजरी का ज्वारी का रोटला बनाने के लिए तवा है। ये देखिए मटके इतने सुंदर है, गाइस मुझे ये कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा। एंड गाइस क्रॉकरी आई लव, मैं हमेशा क्रॉकरी में से हमेशा कप सॉसर लेती ही लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या हुआ
गाइस ये तरह तरह के अचार आए हैं यहाँ पे। गाइस हर साल यहाँ पे भरता है और कोई चेंजेस नहीं है, जिसके स्टॉल जहाँ पे हैं वहीं पे हैं। ये देखिए जा रही हूँ, अब इनफ हो गया। थोड़ा सा आपको बता देती हूँ फटाफट। Yeah.
जास्त काय वाटत કેમ છો? અરે બહુ દિવસે મળ્યા. ભણે છે. ચલો ચલો બાય. તો ગાઈસ બતાઈએ આપ ક્યાં ખાઓગે? બધું હું લગ મને ખબર.